हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हाय एवरीवन, सो एज यू नो वी आर डूइंग लेसन नंबर 5 ऑफ मैथ्स 2, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्व एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस सेट 5.1 का फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 6th, दैट इज व्हाट, शो द पॉइंट्स दैट ए -4 -7, बी -1 2, सी 8 एंड 5 एंड डी 5 एंड -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी। सो व्हाट डू वी मीन बाय रोम्बस? रोम्बस के सबके साइड्स, ऑल साइड्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। तो आपको सभी साइड्स के मेजरमेंट सेम्स आने चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो वी दे हैव गिवन अस, हमें अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से उसको वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो ए इज इक्वल -4 -7, बी इक्वल -1 2, सी इक्वल 8 एंड 5 एंड डी इक्वल 5 एंड -4। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट -1 -4 द होल स्क्वायर प्लस 2 -7 द होल स्क्वायर, ठीक है। ओपन दिस, इट विल बिकम -1 +4 द होल स्क्वायर प्लस 2 +7 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। वॉट इज स्क्वायर ऑफ 3? 9, एंड स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, ठीक है। 81 प्लस 9 क्या हो गया, 90 हो गया। अब 90 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, हम इसको डिसॉल्व करेंगे, ओके। तो 9 टेंजा इज 90, यू आर गोइंग टू राइट 9 टेंजा इज 90। वॉट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9? 3, 3 रूट 10। तो ये आपको क्या मिल गया, 3 root 10। ए बी इज इक्वल टू 3 root 10। तो सभी साइड आपको आंसर में 3 root 10 आना चाहिए, तब जाके आपका क्या है, रोम्बस का फिगर कंप्लीट होगा। तो नाउ वी विल डू बी सी। बी सी इक्वल अंडर रूट 8 -1 द होल स्क्वायर प्लस 5 -2 द होल स्क्वायर। नाउ 8 -1 दैट इज 8 +1 द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 8 +1 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 3 जा 9, ये हो गया 81 +9, अगेन इट इज़ इक्वल टू 90, दैट इज इक्वल टू 9 × 10, और इनका स्क्वायर रूट क्या है, बी सी इक्वल 3 root 10, गिव इट 2, क्लियर। नाउ सी डी इक्वल 5 -8 द होल स्क्वायर प्लस -4 -5 द होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 5 -8 क्या होता है, -3 द होल स्क्वायर प्लस -9 द होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या है, 9, एंड -9 का क्या है, 81, -×- प्लस होता है, इट्स इक्वल टू 90, दैट इज इक्वल टू 9 × 10, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 3 root 10। तो आपको सी डी भी क्या मिल गया, 3 root 10। लास्ट क्या रह गया हमारा, ए डी। नाउ ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 -4 द होल स्क्वायर प्लस -4 -7 द होल स्क्वायर, इट्स इक्वल टू 5 +4 द स्क्वायर प्लस -4 +7 द होल स्क्वायर, इट विल बिकम 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर अगेन 81, 3 का स्क्वायर 9, आपको मिलता है 9 √90, इट्स इक्वल टू 9 × 10, इट्स इक्वल टू 3 root 10, ये आपको 4 हो गया। तो अब आपको क्या मिला, हाँ, फ्रॉम 1 2 3 4, फ्रॉम 1 2 3 and 4, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, देयरफॉर सॉरी क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी क्या है, इज अ रोम्बस, ठीक है। सो आंसर में आप मेंशन करोगे वर्टाइसेस ऑफ क्या दिया है, -4 7, ए बी का क्या है -1 and 2, सी इज 8 and 5, एंड डी इक्वल 5 and -4 आर वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी, गॉट इट, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू 7th क्वेश्चन नाउ। फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन L, that is x and 7, and m,
दैट इज 1 and 15 इज 10. इनके बीच का डिस्टेंस क्या दिया आपको 10. ठीक है, तो लेट एल क्या है एक्सन 7 है एंड एम इज वॉट 1 and 15. ठीक है, एल एम क्या दिया आपको 10 दिया है. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एल एम इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 द होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज एल एम, पुट द वैल्यू हियर, 10 इक्वल एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 द होल स्क्वायर. ठीक है, आप स्क्वेयरिंग करोगे ये हो जाएगा 100 इक्वल एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 64, रूट निकल गया. ठीक है, देयरफॉर एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64. नाउ व्हाट इज 100 माइनस 64, इट इज 36. ठीक है, इतना क्लियर. अब देयरफॉर ये स्क्वायर वहाँ चला गया, ये रूट हो गया. हाँ, देन यू आर गेटिंग एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6. देयरफॉर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 6 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 6. देयरफॉर एक्स इक्वल टू 6 प्लस 1, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 7. यह हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस 5. सो वॉट इज आंसर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 7 और एक्स इक्वल टू माइनस. This is the value. Clear? अब last question है ये practice set का. Now, what is has been given? Show that the points A 1, 2, B 1, 6, C 1+2, 3 root 3. हाँ, ये एक है value और ये 4 are vertices of an equilateral triangle. ठीक है, अब equilateral triangle का आपको पता होना चाहिए कि all sides क्या होते हैं, equal. तो इसमें भी सबके answers आपको same आने चाहिए. So आपको A दिया है 1 and 2, B is 1 and 6 and C is 1+2 root 3 and 4. So sorry. By distance formula, AB is equal to under root 1 minus 1 the whole square plus 6 minus 2 the whole square. It's equal to 1 minus 1 is 0 square plus 4 square. हाँ, कुछ भी करो आपको 0 से plus minus आपको वो ही मिलेगा. Root 4 square, it's equal to 16. ठीक है, is equal to 4. तो AB क्या मिल गया आपको, 4. तो सभी की वैल्यूज आपको क्या मिलने चाहिए, 4 मिलने चाहिए, तब जाके होगा. अब बी सी ढूंढेंगे, बी सी इक्वल अंडर रूट 1, ठीक है, प्लस 2 root 3 माइनस 1. ठीक है, ये आपका सी का पहला पार्ट है, प्लस 4 माइनस 6 द होल स्क्वायर. ठीक है, अब 1 और 1 कट हो गया, अब आपके पास बचता है 2 root 3 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 द होल स्क्वायर. अब 2 root 3, 2 root 3 का मतलब क्या है, 2 into 2 into root 3, into root 3 क्या होता है, 3 होता है. तो 4 into 3 दैट इज 12. क्या मिलेगा आपको, 12. इट्स इक्वल टू 12, ठीक है, प्लस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 12 + 4 क्या हो गया, 16, दैट इज. सो रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है. दैट मीन्स बी सी कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया, इसको 2 दे दो. ठीक है, अब 3 चलते हैं. ए सी इक्वल अंडर रूट 1+2 root 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर. तो अब यहाँ 1 और 1 कट हो गए, अगेन आपको यहाँ मिला 2 root 3 द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू वॉट, 12+4, इट्स इक्वल टू 16. देयरफॉर ए सी क्या मिल जाता है हमें, 4 मिल जाता है. गिव इट 3. नाउ व्हाट यू हैव सीन फ्रॉम 1, 2, 3, ऑल द वर्टाइसेस मीन्स वॉट, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी. ठीक है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 1, 2 एंड 3. ठीक है,
Therefore, triangle ABC is an equilateral triangle. Therefore, answer will be A, that is 1 and 2, B, 1 and 6, and C, 1 plus 2, root 3, 4, as vertices of an equilateral triangle. ठीक है, सो दिस वॉज योर प्रैक्टिस सेट 5.1. तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टुमारो. टिल देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर, बाय.